अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग कार्ट पेज को एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट विजेट्स या डिफरेंट सेक्शंस ऐड या डिलीट कर सकते हैं और उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनके लुक एंड फील को कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये भी सिखाया है कि किस तरह से आप एक कस्टमाइज शॉप पेज बना सकते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर देखें। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर वीडियोज़ देखें वो। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से कार्ड पेज को एडिट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और कस्टम कार्ड पेज किस तरह से बनाते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखें, करंटली हमारा जो कार्ड पेज है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लूँगा। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेना है ऑब्वियसली। उसके बाद आपने पहले एडिट पेज पे क्लिक करना है। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आएगा एडिट विद एलिमेंटर, ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ये यहाँ पे। तो आपने उस पर क्लिक करना है, तब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कार्ट है और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एडिट का, तो यहाँ पे देखिए इस कार्ट के सेक्शन की हमारे पास वो आ चुकी हैं, इसकी सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके अंदर हम इनको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वन कॉलम है, टू कॉलम है, इसको अगर मैं वन कॉलम करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हमारा कार्ड शो हो जाएगा, राइट। अगर मुझे इसके ऊपर कुछ और चीज़ें, कुछ सेक्शन ऐड करना है तो लेट्स से मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ पैडिंग दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं हम। ओके, इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इमेज यूज़ कर लेते हैं कोई भी, लेट्स से हम ये वही इमेज यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक इसका जो है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ओवरले इसका सेटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका ओवरले एक अच्छा सा सेटअप कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर आने वाला टेक्स्ट थोड़ा अच्छे तरीके से विजिबल हो। अब इसके मज़ीद आप जितनी चाहे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक टाइटल शो करवाना चाह रहा हूँ, मैंने इसको हेडिंग दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्ट, ठीक है। और इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा, सेंटर में लाने के बाद इसको मैं कुछ इस तरह से सेटअप कर दूँगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लेट्स से इसको मैं इस इमेज को थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन में सेंटर कर देता हूँ, या कहीं पे भी मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ, या कस्टम इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कुछ इस तरह से शो करवा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा पैडिंग भी दे देता हूँ बॉटम से, सॉरी मार्जिन दे देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ये मार्जिन आ गया, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक सेक्शन डिज़ाइन हुआ। अब मुझे ये वाला जो मेरा कार्ड सेक्शन है इसको मुझे एडिट करना है। इस तरह से आप जितने चाहे सेक्शन ऐड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे, पर जैसे चाहे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन आ गया, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप इमेज वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद कार्ड पेज हमारे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ओपन ये
उसका जो है कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जिस तरह से भी आप डिज़ाइन करना चाहें, बट अभी के लिए मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा। इसके अलावा पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, फिर टाइपोग्राफी यहाँ पे जो टेक्स है इसकी टाइपोग्राफी आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी टाइपोग्राफी है या ये जो हमारा फॉन्ट है, इस फॉन्ट को अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये मैं हेड ऑन यूज कर रहा हूँ व्हाट फॉन्ट, तो लेट्स से यहाँ से इस फॉन्ट का नेम देखें, ये हमारे पास है बार्ड, ठीक है। लेकिन आपका क्लाइंट कह रहा है ये आपको चाहिए कि ये आप अपनी पूरी वेबसाइट के साथ सिंक करना चाह रहे हैं ये फॉन्ट्स, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बार्लो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये आ गया, इसको सिलेक्ट करना था, और यहाँ पे इस टाइपोग्राफी के अंदर आके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बार्लो। अब यहाँ पे देखिए ये कार्ड टोटल के अंदर वो बार्लो शो हो गया। इसी तरह से टाइटल्स एंड पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मुझे वही फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मुझे वही फॉन्ट चाहिए। आगे चल के यहाँ पे बटन्स के अंदर, बटन का जो ये बटन है, ये बटन्स हैं, तो इनका मुझे भी सेम फॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे देखें ऑर्डर समरी कार्ड टोटल, अच्छा ये कार्ड टोटल वाले शो हो रहे हैं, और यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो आपके पास सेक्शंस हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। कार्ड टोटल है, ये वाला सेक्शन है, इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, इसके कलर्स वगैरह, बटन के कलर्स, डिवाइडर्स, चेकआउट बटन, ये वाला जो चेकआउट बटन है इसका अगर आपने क्या करना है, कलर चेंज करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं वाइट करना चाह रहा हूँ, और जो मेरा बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ज़रा कुछ इस तरह से सेटअप करना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो कर दिया, राइट। इसकी अलावा ग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बॉक्स शेडो देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए लातादाद ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इस कार्ड पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इसी तरह फिर हमारे पास एडवांस के ऑप्शन है, मतलब बुक एलिमेंटर के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे आप ऑलमोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे ये मैंने कार्ड पेज एडिट कर दिया, मैं इसको अगर अपडेट कर देता हूँ तो अब देखें जिस भी प्रोडक्ट पेज पे अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, पहले ये वाला प्रोडक्ट कार्ड पेज था लेकिन अब जो मैंने डिज़ाइन किया था वो कुछ इस तरह से था, तो यहाँ पर देखें जिस तरह से हमारा जो कार्ड पेज है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना कार्ड पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट विजिट्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल विजिट्स के अंदर से डिलीट कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरे कार्ड पेज को अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड। तो आई होप आपको समझ आएगा किस तरह से कार्ड पेज को एडिट करते हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जाके मुझे फॉलो कर लें ताकि आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकें अगर कोई भी तरह का आपको हेल्प चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।